कक्षा नौवीं के छात्रों के लिए मैं लेकर आया हूँ। त्रैमासिक परीक्षा 2024 का कक्षा नौवीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपका 24 सितंबर को होना है, 100% रियल पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा 24 सितंबर को। इसमें आपको 75 अंक का प्रश्न रहेगा और इसमें आपको 3 घंटे का समय रहेगा, 75 अंक का पूर्णांक रहेंगी। और ये आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है, 100% यही पेपर आपका देखने को मिलेगा। इसमें आपको निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आपको 1 से 5 तक आपको 1-1 नंबर मिलेंगे और 6 से 17 तक आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 18 से 20 तक आपको 3 अंक के प्रश्न रहेंगे और 21 से 23 तक आपको 4 अंक के रहेंगे। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका पहला क्वेश्चन है 8, 7, 11 और द 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 8 रेखाओं से। दूसरा है इसका, संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन दा 5। जी हाँ दोस्तों, तो संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। अब चलते हैं तीसरा, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपरोक्त कथन है, इब्राहिम लिंकन, मिस्टर चलित, प्रो लास्की या प्रो गार्नर। तो ये जो कथन है यह है इब्राहिम लिंकन का, ऑप्शन नंबर आ। उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है भूमि, भौतिक, मानव पूंजी, श्रम। जी हाँ दोस्तों, तो उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आ, भूमि। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुलजारी लाल नंदा। तो जी हाँ दोस्तों, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? यंत्र, कंप्यूटर, भूमि, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, तो जो स्थायी पूंजी है इनमें से, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी, कंप्यूटर, यंत्र, भूमि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप खालिस्तान है। तो इसका राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है भारत में वोट डालने की उम्र खालिस्तान है तो इसकी है 18 वर्ष। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा है कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की थी। जी हाँ दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने जो रचना की थी उसका नाम है दोस्तों दास कैपिटल, दास कैपिटल। नेक्स्ट है इसका, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 वर्ष का। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान प्रदान करता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, चुनाव जो करता है वो करता है राष्ट्रीय चुनाव प्रदान करता है आयोग। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा सदस्यों को चुनाव राष्ट्रीय चुनाव आयोग करता है। मौसमी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये थे आपके दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 के खालिस्तान, ये आपके 1-1 नंबर के थे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको 6 सही जोड़ी दी गई हैं तो इसका जो पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ई, दूसरे का आपका हो जाएगा बी, तीसरे का आपका हो जाएगा सही जोड़ी सी, चौथे की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी दोस्तों डी, पांचवें की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी दोस्तों, पांचवें की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी दोस्तों एफ, और जो छठवें की सही जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ए। तो ये थी आपकी सही जोड़ी, अच्छे तरीके से रट लीजिए दोस्तों। यही पेपर देखने को मिलेगा आपको 24 सितंबर को सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर, कक्षा नौवीं का त्रैमासिक परीक्षा का 100% यही पेपर आपका आएगा। तो इसको 100% रट लीजिए आप। नेक्स्ट, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, गोंडवाना भूखंड दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, सामूहिक खेतों को कोल खोज के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? जी हाँ दोस्तों, ये आपका चौथा है, ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। पाँचवा है इसका, पृथ्वी के मध्य 0 अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है इसका, भारत में के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित पाकिस्तान, ये अपना पहला देश है। दूसरा हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ये दूसरा देश है। तो
और भी बाकी के देश हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है। सत्य असत्य, पहला इसका सत्य है, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ये भी सही है। भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी सही है। भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, ये गलत है। पार्टलिटिक्स की रचयिता कार्ल मार्क्स हैं, ये भी आपका गलत है। पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है और पाँचवा छठवां इसका गलत है। ये है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6, ये भी आपका 2 नंबर का है, ये इसका अथवा है। अब चलते हैं, ये देख लीजिए, ये है प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, लच्छांग, लक्षद्वीप। तो ये था आपका छठवां। अब यहाँ से चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा, ये है भारत के किस को विश्व के नामों से जाना जाता है, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, चिड़िया, सोने की चिड़िया इत्यादि। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बांटा गया, पहला वर्ग पादरी, दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग, तीसरा वर्ग आम लोग। तो ये है आपका नेक्स्ट का आंसर, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से रट लीजिए। देख लिया नेक्स्ट, खून फ्रांसीसी क्रांति विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है। अब चलते हैं 9वीं, खूनी रविवार की घटना क्या थी, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 9, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर, खूनी रविवार की घटना। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से रट लीजिए। कक्षा 9वीं का पेपर है, जैसा कि मैंने आपको बताया सामाजिक विज्ञान का, 24 तारीख को यही आएगा, 100% रियल पेपर है, आप इसको रट लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, लोकतंत्र की परिभाषा, तो इसको भी देख लीजिए, ये है दोस्तों आपकी लोकतंत्र की परिभाषा, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप रट लीजिए। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का विषय का पेपर है, 24 सितंबर को यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 11, संसदीय शासन प्रणाली क्या है और संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम लिखिए। तो ये है संसदीय शासन प्रणाली, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से रख लीजिए। तो ये था दोस्तों आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। आगे का वीडियो